इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इफ्तार स्पेशल आइटम। जी हाँ, चिकन रशियन कबाब और इसके साथ चिकन रशियन कटलेट की रेसिपी मुफ्त, वो भी सीधा केटरर के किचन से। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। आप देख रहे हैं माई गाइडर प्रोडक्शन, मेरे साथ आज कमाल भाई है और यहाँ पर हम अब फिलहाल रशियन कबाब बना रहे हैं। इसमें क्या है? फ्रेंच बीन है और गाजर है। गाजर है, कितना क्या क्वांटिटी में? मिनिमम 100 ग्राम। 100 ग्राम फ्रेंच बीन और गाजर। इसका पानी जो उबाला हुआ है वो भी रह गया। पानी में अदरक जा रहा है हल्का सा, लहसुन, लहसुन हल्की सी मिर्ची गई है, वही पानी जिसमें गाजर और ये उबाल के फिर उसके बाद इसमें 100 ग्राम गया। हम बना रहा कितना क्वांटिटी है और ये कितना? मिनिमम 1 पीस। और ये चिकन का एक पीस डाल दिया आपने। चिकन कितना रहेगा ये? मुझे पाव किलो। हाँ, 250 ग्राम। अब इसको कितने देर बॉईल करना? बस चिकन बॉईल हो जाए। चिकन बॉईल होने तक आपको ये हो गया हमारा रशियन कबाब का। हाँ। देखिए आपने ऐसे पानी भी आपको वेस्ट नहीं करना। ये इतने से चिकन में कितने बन जाएंगे? इसमें 25 कबाब। इतने से चिकन में 25 कबाब बन जाएंगे। हाँ। ये रशियन कबाब का नेक्स्ट प्रिपरेशन है। इसमें सबसे पहले तेल काफ़ी अच्छा खासा लिया है, 250 ml। कितना है? 200 ml। 250 ml तेल में अब ये क्या गया? लहसुन गया। अच्छा खासा लहसुन भूनना है आपको जब तक ऐसा तरतरी ना आ जाए। और अब जा रहा है मैदा। तेल में सीधा मैदा डाल दिया। ये कितना होगा मैदा? ये लगभग 500 ग्राम होगा। 500 ग्राम मैदा। हाँ। तो पाव किलो तेल था। हाँ। लहसुन हमने तकरीबन कितना डाला? 50 ग्राम। 50 ग्राम और मैदा 500 ग्राम। 500 ग्राम मैदा। अब क्या जा रहा है? अजीनोमोटो। सो यहाँ पे अजीनोमोटो या टेस्ट मेकर आप ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रशियन कबाब में जा रहा है सिरका, विनेगर है ना। हाँ। खटास भी आ गई। ये जो स्टॉक वाटर था इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखिए पानी जो है गाजर और बीन्स जो हमने उबाली थी और उसमें चिकन भी था। और ये अब आपको हल्का सा पानी डाला जा रहा है। इज एडिंग लिटिल मोर चिली सॉस। चिली सॉस ऐड किया गया और मिर्ची। ये रशियन कबाब तीखा होने वाला है, जैसे आजकल पुटिन तीखे है दूसरे देशों को लेके। अब क्या जा रहा है? ओहो, कैबेज गई है। एक मुट्ठी कैबेज और चिकन जो हमने बॉईल किया था वो अब ऐसे डालना। और चिकन गया है इसमें। हल्का सा ये क्या है? नमक। चरते रहना इसे, बस चरते रहना। तो गाइस कैमरा मूवमेंट को इग्नोर करना, कंटेंट पे फोकस करो। मैं खुद ही शूट कर रहा हूँ। मेरा दोस्त साहिल अंसारी आज भी आउट ऑफ टाउन है, वैसे ही वो अफोर्डेबल नहीं है। और ये रेडी हो गया धनिया मार के। अब इसको ठंडा कितने देर करेंगे? आधा घंटे में ठंडा हो जाएगा, फिर टिक्की बनाएंगे इसकी और डीप फ्राई करेंगे। ये रशियन कबाब का अगर हमने बना लिया है सामान। हाँ। तो इसको बना के रख भी सकते हैं फ्रिज? हाँ, रख सकते हैं। कितने दिन रह जाएगा ये? दो दिन चलेगा। तो अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया और आप चाहे तो पैटी इसे फ्रिज में रख दीजिए, फिर बाद में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, दो दिन तो आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, आराम। मैं अभी गोला कर रहा हूँ। गोला करने के बाद मैं इसको अंडे में लगाऊंगा जी।
फिर सेवई लगाऊंगा, फिर इसको दबा के गोला करूंगा। अच्छा, उसके बाद इसको फ्राई करूंगा। बाद में फ्राई हाँ। अब क्या कर रहे हैं, सेवईयां लेंगे। हाँ, सेवई को तोड़ेंगे बारीक। जी, अब ये अंडे में ऐसे डिप कर रहा है, तो ये अंडे में डिप किया और ये सेवइयाँ ऐसी लगाई, तो ये फ्लैट करके पहले ये आपने डिप किया, ये अभी आपको ऐसे दिखा दीजिए कैसे फ्लैट करेंगे। ये प्रेस करना हल्के से ना, हल्का हाथ। आपके रशियन कबाब की साइज़ भी काफ़ी बढ़ी है। वही टिक्की से अभी हम बना रहे हैं चिकन कटलेट। चिकन कटलेट, हाँ। अभी हम इसमें लगा रहे हैं ब्रेड क्रम। अच्छा, उसमें सेवइयाँ लगी थी और अब ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं। ब्रेड क्रम लगाने के बाद इसको अंडा में डिप करके डायरेक्ट हम तेल में फ्राई करेंगे। अच्छा, टेस्ट दोनों का लगभग सेम ही है? टेस्ट सेम रहे, थोड़ा इसमें अंडे का फ्लेवर अलग आएगा, उसमें सेवई का कुरकुरापन आएगा। ये बना रहे हैं कटलेट, ये ब्रेड क्रम में डिप किया गया। वाह वाह वाह, एक ही रेसिपी में दो आइटम मिल गए, वाह। तो इसमें अंडा बाद में डाले गए। ये रशियन कबाब अलग है, इस पर सेवइयाँ लगी है, और ये चिकन कटलेट है, इस पर ब्रेड क्रम्स लगे हैं। तो सबसे पहले चिकन रशियन कटलेट को अब हम डीप फ्राई कर रहे हैं, और डीप फ्राई करने से पहले चिकन जो कटलेट है उसको अंडे में डिप करके फिर डीप फ्राई करना होता है, और जब तक ये ब्राउन हो जाए फिर ऐसे आप परोसेंगे और इफ्तार में इसे एंजॉय करें, साल के 365 दिन एंजॉय करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। और रशियन कबाब आप डायरेक्टली फ्राई करेंगे, इसमें अंडा नहीं डालना है, इसे भी आप डायरेक्टली फ्राई करें गोल्डन ब्राउन होने तक। एंड ये भी मज़ेदार रशियन कबाब रेडी है। और ये सारे स्टार्टर्स भी अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी में ले आओ तो आप ज़रूर कमेंट करिए। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरी मदीना केटरर्स की टीम का। भाई आपका नाम क्या है? सहरे आलम। सहरे आलम, और यहाँ पर हमारे साथ हैं कमाल भाई, जिन्होंने पूरी रेसिपी बताई, और इनकी टीम में यहाँ पे, इनका नाम क्या भाई का? इमरान। इमरान, शुक्रिया अदा भाई, दिखा दे तेरा चेहरा यार। इमरान है, और ये कमाल भाई द रॉकस्टार, जिन्होंने हमें ये सारी रेसिपीज बताई है जो रमज़ान के महीने हैं, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं ले जा रहा हूँ, हाँ। सो इफ्तार में आज मैं ये खाने वाला हूँ, और फिर खाने के बाद आपको बताऊँगा इसका स्वाद कैसा है। थैंक यू सो मच। एंड अच्छी बात ये है कि रीजनेबल भी रखा है इन्होंने, प्राइस बहुत बहुत रीजनेबल रखा है, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। एक और बार, अगर आप पास में ये जो मदीना मस्जिद है वहाँ पर अगर आप इफ्तार पहुँचाना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और फिर इन्हें बोल सकते हैं कि भाई ये स्टार्टर्स आप मस्जिद में भिजवा दीजिए, वो डेफिनेटली भिजवा देंगे। ठीक है जी, भिजवा देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और मैंने सुना इनकी बिरयानी भी बहुत अच्छी है, वो भी कवर करने आऊँगा मैं जी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। देखो हमारा शूट देखने एक बच्चा भी आ गया जिसने बहुत ज़्यादा काजल लगाया। क्या नाम है इसका? अबू हारिस। हेलो अबू हारिस, आपने इतना ज़्यादा काजल लगाया। एक सवाल मेरे मन में था कमाल भाई, ये कबाब को रशियन कबाब क्यों बोलते हैं?